आदर आदाब अभिनंदन आभार मेरे दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके पास सामने आया हूँ, आपका बुंदेलखंडी मित्र संकेत कंचन। और आज मैं आपके पास काफ़ी दिनों से आना चाह रहा था, लेकिन मेरे मित्रों ने, मेरे शुभेच्छु लोगों ने जो झांसी बाज़ार से जुड़े हुए हैं और झांसी बाज़ार को बहुत प्यार करते हैं, वो काफ़ी दिनों से मुझसे कह रहे थे कि आप कुछ झांसी के लोगों से बात कीजिए। दोबारा से कोरोना लौट रहा है, वो स्ट्रेन लौट रहा है दोबारा से, और काफ़ी तादाद में इन्फेक्शन फैल रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि मैं कब ये चीज़ करूँ, लेकिन आज से अच्छा दिन नहीं हो सकता था। एक बड़ा त्यौहार सामने खड़ा है, होली का, और हम सब होली बनाएंगे, किसी भी हालत में अपने त्यौहार की गरिमा कम नहीं होने देंगे, और एक स्पिरिट हमेशा रहती है होली के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। बट हैविंग सेड सो, हमें इसका भी ध्यान रखना है कि हम अपने बुंदेलखंड में इस कोरोना की जाल को ना फैलने दें और काफ़ी लोगों को सुरक्षित रखें, क्योंकि हमने पहली स्टेज जो कोरोना की थी उसको बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट की थी, एंड हम में से कोई नहीं चाहेगा कि किसी भी घर में कोरोना का आतंक देखने को मिले। तो सबसे पहले मैं उन शुभेच्छु दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दिल से, कि मुझे उनका आज एहसास हो रहा है कि भले ही वो चैनल ना बना पाते हो, भले ही वो सबसे बोल नहीं पाते, पर वो झांसी के लिए चिंतित हैं और मुझसे ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि वो मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि आप जाकर के उन लोगों से, झांसी के लोगों से, बुंदेलखंड के लोगों से दरख्वास्त करिए कि अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क लगाएं, हाथ धोएं, और कोशिश करें कि ज़्यादा लोगों की भीड़ भाड़ में ना जाएं, ताकि इन्फेक्शन से उनको भी बचा सके और खुद को भी बचा सके। तो आप सबके लिए एक बहुत बड़ा थैंक यू और हैट्स ऑफ टू यू ऑल गाइस, आपके जज्बे के लिए हम आपको सलाम करते हैं। लेकिन होली है तो होली तो बनेगी, और होली की गरिमा सिर्फ यही नहीं कि हमें भीड़ में जाकर के हुल्लड़ करना है, होली की गरिमा तो कई तरीके से हो सकती है। हम कलर्स फिर भी घर पे खेल सकते हैं, हम ऑर्गेनिक कलर्स गुलाल से खेल सकते हैं, थोड़ा सा प्रिकॉशन करके खेल सकते हैं। होली का बेसिकली जो वो होता है, वो हम लोग साथ में बैठे हैं बाहर, थोड़ा सा यू नो गुलाल हो, थोड़ा सा अबीर हो, थोड़ा सा पानी हो, और साथ में यू नो अच्छा खाना पीना हो, ड्रिंक्स हो ऑफ कोर्स, तो वो सब चले, और इसी के साथ हमें होली के मज़े लेने हैं। बट चूंकि इतनी बड़ी महामारी है, इसको भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो टी शर्ट्स पहनिए होली की। बट है, कहने का मेरा मतलब ये है कि होली की हमें अपनी वो रखनी है, तैयारी रखनी है पूरी, और हमें कोशिश करना है कि होली में का त्यौहार का टेम्पो कम ना हो, लेकिन हमें अपने आप को, अपने आसपास के, अपने अजीज़ों का ध्यान भी रखना है, और उनको इस कोरोना के चक्कर से बचाना भी, क्योंकि हम सब सोच रहे थे कि कोरोना का इंजेक्शन लग चुका है, काफ़ी लोगों को लग चुका है, और इससे सुधार आएगा, इस बार हम होली दबा के खेल पाएंगे। बट ऐसा नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, अभी भी बहुत ज़्यादा डर है, और ऐसा नहीं कि यू नो इंजेक्शन्स धीमे लग रहे हैं या तेज़ी से नहीं लग रहे, पर फिर भी बहुत तेज़ी से लग रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पूरी हमारी जो सिविल मेडिकल टीम है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये भी कहना चाहूँगा और उनसे कहना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप प्लीज़ अपना काम जारी रखिए, क्योंकि 1 अप्रैल से शायद 45 साल के ऊपर के लोगों को भी लगना है, और ये काम बहुत अच्छे से वो लोग कर रहे हैं, आई एम श्योर सबके लिए अच्छा रहेगा। बट चूंकि अभी देख रहे हैं कि स्ट्रेन्स काफ़ी सारे हैं, इसके 250 ज़्यादा स्ट्रेन्स हैं, और कई तरह के स्ट्रेन्स म्यूटेंट होकर वायरस यू नो म्यूटेशन पे जाके वायरस दोबारा से अपने नए उस पर आता है और अटैक करता है, तो इट डजंट लुक्स लाइक दैट इट गोना बी अ शॉर्ट वॉर। सो अब देखने की बात ये है कि असला किसके पास ज़्यादा है और कितना लंबा खींच सकता है, क्या हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि हम इसे लंबा खींच सकते हैं, या वायरस इतनी दम है कि वो हमें ज़्यादा चपेट में ले सकता है। तो उसके लिए हमें जो सही है, जो बताया गया, उस पर फॉलो करना है और उसको करना है। हम बुंदेलखंडी अपने जज्बे के लिए जाने जाते हैं, हमें किसी भी तरह जज्बा फीका नहीं पड़ने देना है, तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम हर हालत में ये क्या कहते हैं इस पर लड़ें और रूल्स को फॉलो करें। मास्क बहुत ज़रूरी है, हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, और भीड़ से अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है। हम इस बात पे होली को लेकर के आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे कि हमेशा आप लोग से कहता हूँ कि मेरे दो बातें आमने सामने हमेशा से एक प्रायोजित प्रोग्राम रहा है, तो हमारे ये सीरियल का प्रयोजन भी हमारे डॉक्टर जेला मेमोरियल हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रकाश गुप्ता, जहाँ पे मोतियाबिंद और ग्लूकोमा यानी काला पानी और आँखों से चश्मा उतारने का इलाज होता है, जहाँ से एकमात्र हॉस्पिटल है जो ISO 9001 सर्टिफाइड है, तो उच्च तकनीक, आधुनिकतम तकनीक के साथ उनका पुराना अनुभव आप सबके काम आ सकता है। तो जो लोग इससे जूझ रहे हैं वो प्लीज़ उनके पास जा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा
सह प्रायोजक में उपचार हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर राकेश त्रिपाठी जो अपने RRBTT राकेश रिमोट बोन ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक के लिए जाने माने हैं, विश्वविख्यात है, और वहां पे आप जाकर के अपना किसी भी तरीके का रीढ़ की हड्डी का या आर्थराइटिस का इलाज के लिए आप उनसे परामर्श ले सकते हैं। और वो आपका झांसी के बहुत सीरियस सर्जन है, उनका अनुभव भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत तगड़ा है। आप उनसे मिलेंगे तो आपको अपने दर्द से निजात मिलेगी। इसके साथ साथ हमारे सह प्रायोजक है रत्ना लेजर डेंटल क्लिनिक, जहाँ पे मैक्सिलोफेशियल सुपर सर्जन डॉक्टर रजत मिसूरिया एंड डॉक्टर अर्चना मिसूरिया आपका काफ़ी मदद कर सकते हैं। अगर आपको तम्बाकू खाने से आपका मुंह कम खुल रहा है, आपको लग रहा है आपको मुंह का कैंसर है, या फिर आपको दांतों का इम्प्लांट कराना है, या आपको रूट कैनाल कराना है, इन सब चीज़ों में उनका बहुत ही अच्छा अनुभव है और बहुत ही अच्छी तकनीक है उनके पास। बिना दर्द के जल्द से जल्द आप उनसे इलाज पा सकते हैं। तंबाकू से वजह से मुंह ना खुलना और कैंसर होना की बीमारियाँ सामने आती हैं। अगर आप लोग ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको समय नहीं लगाना चाहिए और ज़रूर उनसे जल्द से जल्द मिलना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे सह प्रायोजक हैं हीट क्योर ट्रीटमेंट। अब हीट क्योर ट्रीटमेंट आपको जैसे मैंने बताया, गर्मियाँ आ रही हैं, आपके कांच से ज़्यादातर गर्मी घर के अंदर आती है जिसकी वजह से आपका एसी बहुत चलता है। हीट क्योर ट्रीटमेंट्स के पास जापनीज सॉल्वेंट्स हैं जो कि कांच के ऊपर और रूफ के ऊपर दिए जाते हैं, जैसे कि आपके गर्मी जो IR रेज होती हैं सन की, वो अंदर नहीं आती कमरे पे और कमरे के अंदर, और आपका जो तापमान है वो नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से आपका थर्मोस्टेट एसी का काम नहीं करता और इसकी वजह से आपका एसी का बिल बहुत कम हो जाता है। 1 डिग्री अगर आप हीट बचाते हैं कमरे के अंदर तो आपको उसका 3-5% का फर्क बिजली के बिल में मिलता है। तो देर मत करें, उनको कॉल करें, इन सब के नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप इनको कॉल करके आप उनसे परामर्श कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, होली के इस रंगारंग प्रोग्राम पे बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे होली मनानी चाहिए। तो होली के इस पावन मौके पर, इस बढ़िया से त्यौहार पर, जैसे कि गुजियों का वो तो चलेगा ही चलेगा चलन, साथ में नॉनवेज बिरयानी चलेगी और क्या कहते हैं बताशे चलेंगे और मीठी गुजिया और सांके चलेंगे और सेव चलेंगे, ये तो चलेंगे चलेंगे। और उसके साथ साथ हमारी थोड़ी बहुत बुंदेलखंडी विस्की बियर भी चलेगी, ऑब्वियसली नो डाउट ओवर इट, बट द ओनली थिंग इज दैट कि इस फेस्टिवल की कलर स्पिरिट होती है, मतलब ठीक है अभी तो हम लोग थोड़ा सा थोड़े डर जाते हैं तब, अदरवाइज ये जो फेस्टिवल है इट्स अ बिट ऑफ अ फिजिकल फेस्टिवल, जहाँ आप जूझते भी हो अपने दोस्तों से कि यार कम रंग लगाओ, और लगाने के लिए आते भी रहते हो तो चढ़े रहते हो कि यार मैं तो छोड़ूंगा नहीं इसे, तो उस चक्कर के चलते आप शाम तक बिल्कुल तरस जाते हो। फिर जब खेलने खाने के बाद भीगे भागे जब आप बैठते हो, वो प्लेटें अंदर से आती हैं किचन से, चाहे वो दोस्तों के घर से आ रही हो या फिर क्या कहते हैं भाइयों के भाभियों के हाथों आ रही हो, उसमें जब वो गुजिया आती है और वो जब कीमा आता है और कलेजी आती है और साथ में भाई लेके आते हैं आपके लिए एक बैग या एक बॉटल, तो होली का माहौल ही बदल जाता है। और उसके बाद तो फिर होलिया में उड़ रे गुलाल कई और मंगे तर से, क्या समझे, तो बस स्पीकर शुरू हो जाता है और डांस शुरू हो जाता है, चाहे घर में छोटा हो या बड़ा हो, सब मिल के खूब डांस करते हैं, खूब हुल्लड़ होता है, और वो होली का जो माहौल है वो होती बात ही अलग है उस माहौल की, मतलब उसमें इतना मजा होता है, उसमें इतना शरारत होती है, उसमें इतनी अपनों को प्यार और जिनसे हम लड़ भी जाते हैं उनको भी भुला करके सब साथ प्यार में माहौल बदल जाता है, वो जो चीज़ है वो हमें कहीं नहीं मिल सकती, सिर्फ होली के त्यौहार में मिल सकती है। अब होली इस बार हम कैसे बनाएंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन हम सब, जैसे कि मैं आपको अपना बताऊँ, हमारे कुछ गिने चुने मित्र हैं और हम लोग हर त्यौहार पे मिलते हैं और सब कोरोना के लिए अपना टेस्ट भी कराते रहते हैं कि भैया हम ना अपने किसी घर वाले को दिक्कत में डाल सकते हैं ना अपने किसी दोस्त को, तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि सब लोग जो लोग भी खेलना चाहते हैं एक गेट टुगेदर में, दे कैन गो फॉर अ नियरेस्ट क्लोजेस्ट चेकअप सेंटर, गेट इट डन सो दैट दे आर कंफर्टेबल एनफ टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई 3-4-5 लोगों में तो हम इतना कर सकते हैं, हिसाब किताब चल जाना चाहिए। तो क्योंकि यही है कि अब आगे नहीं कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा था पिछली बार की होली सब हमने ऐसे ही की, चलो ठीक है इस बार छोड़ते हैं देखा जाएगा, अब इस बार फिर वही सिचुएशन आ गई, जबकि हमने इतना लंबा सफर झेला और बहुत तगड़े तरह से लड़े जीते और उसके बावजूद भी हम होली नहीं बना पा रहे हैं। अब आप ये देखिए ये होता है वायरस की ताकत है ना,
तो लेकिन अब प्रॉब्लम वही है अल्टीमेटली, वो तो ह्यूमन रेस ही जीतती है तो स्पिरिट्स तो हमारी तगड़ी रहेंगी। हमने आज तक कभी किसी वायरस को अपने आगे टिकने नहीं दिया तो ये भी नहीं टिकेगा। बट सवाल इस बात का ही है कि हमें सुरक्षित रह के और अपनों को सुरक्षित रख करके इस त्यौहार को बनाना है और उसी जोर शोर से बनाना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं हमें थोड़ा सा उस पर सोचना चाहिए। झांसी और बुंदेलखंड के लोग, जैसे कि हमेशा कहता आया हूँ, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत अच्छे लोग हैं, सेल्फ डिसिप्लिन लोग हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपने नगर के लिए, अपने शहरवासियों के लिए, अपने आप के लिए, अपने शुभचिंतकों के लिए। तो मैं उनसे वही हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि अपनी स्पिरिट्स को वैसे ही रखिए, झांसी आपकी है, जितना आप संजो के रखेंगे आपको झांसी उतना ही वापस प्यार देगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी यह है कि हम बोलने के साथ साथ उस पर एक्शन करें, अमल करें। आजकल मैं देख रहा हूँ त्यौहार की वजह से हमेशा मार्केट में थोड़ी भीड़ बढ़ी जाती है, किसी को मिठाई लेनी है, किसी को कुछ त्यौहार का कुछ लेना है, खोया एंड ऑल दैट स्टफ। तो फॉर गॉड से, भगवान के लिए मास्क जरूर लगाइएगा। हमें नहीं मालूम कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं है, बिकॉज आजकल जिसे कहते हैं ना सिम्टम्स वाले कम लोग दिख रहे हैं, है ना, नॉन सिम्टम्स केसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इस केस में कहीं आप फंस ना जाए तो अपने आप को सुरक्षित करके चलिए। आप अगर अपने आप को सुरक्षित करके चलेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा सुरक्षित हो जाएगा। तो इधर ही हमको सोचना है और इस चीज़ को हमें वैसे ही बनाना है। कोशिश करनी है कि अपने लोगों को बचाते जूते हम उधम करते हुए ये त्यौहार बना लें और वो यही करते हैं कि फिर हम जल्द से जल्द इस चीज़ से बाहर आएँ और ऐसा ना हो कि इस बार की हमारी दिवाली भी फीकी ना रह जाए और त्यौहार ईद भी ऐसे ना रहे। तो किसी तरह एक जज्बा रहना चाहिए, है चैलेंज हम सब ह्यूमन रेस के सामने, बट हम जीतते आए हैं तो हमारी आदत में तो हारेंगे तो नहीं, बट ठीक है। एक होली को होली की तरह से बनाइए, साथ में मिलिए बैठिए ज़रूर, थोड़ा मास्क पहन लीजिए, थोड़ा हाथ धो लीजिएगा, वैसे भी हम पूरी बॉडी धोते ही हैं होली में, तो कुछ नया नहीं है, पानी को थोड़ा साबुन के साथ साथ यूज़ करना है। इसके अलावा खाइए पीजिए, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए और यही कहूँगा कि सिचुएशन है तो इसको नकारिए मत, इसको समझ के जितना स्टेप्स आप आगे लेंगे उतना आपके लिए हम सबके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो कोशिश ये करिए कि हम सुरक्षित भी रहें और त्यौहार ही बने, हम अपनों के साथ भी उठ बैठ सकें। तो इतना ही है, ज़्यादा अपना समय आपका ना लेते हुए, होली का दिन है, आप सबसे उम्मीद है अच्छे से होली बनाएंगे और बाकी वही है ना, होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगे तर से, होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगे तर से।